आजादी के अमृत काल में बापू के ये सपने साकार हो रहे हैं। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों की जन भागीदारी से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण और खुले में शौच के खिलाफ एकजुटता ने बापू के स्वच्छता के विचारों को एक नई दिशा दी है। बापू का आग्रह खादी को लेकर भी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद खादी को लोग लगभग भूल ही गए थे। ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि 2022-23 में 1.34 लाख करोड़ रुपए का खादी का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। इससे गरीब बुनकर परिवारों में एक नया विश्वास जगाया है। बापू वंचितों की सेवा को अपना धर्म मानते थे। चाहे 50 करोड़ जन धन खाता हो या रेड़ी पटरी वालों के बीच 8,500 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण, या फिर विश्वकर्मा समाज के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट, वंचितों की भलाई मोदी सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या फिर 3 तलाक खत्म करने का मामला, मोदी सरकार ने निरंतर बापू के महिला सशक्तिकरण के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। गांधी जी हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की बात कहते थे। आज चाहे अक्षय ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा क्षमता, भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर आगे बढ़ते। गांधी जी का ये विजन आज भारत के सामने बड़ी चुनौतियों के समाधान का बड़ा माध्यम बन रहा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।